आनंद स्वरूप होने के बावजूद लोगों का स्वभाव है दुखी होना, दुखी रहना, दुखी देखना और दुख बांटना। और प्रश्न ये है कि जो खुद दुखी है वो हमारा दुख क्या दूर करेगा? कीचड़ से कीचड़ की सफाई तो नहीं हो सकती है। हमारी परेशानी ये है कि जब हमारे पास कोई परेशानी होती है, तकलीफ होती है, दुख है, पीड़ा है, तो हम घूम घूम करके लोगों के सामने अपना रोना रोते रहते हैं और हमें लगता है कि लोगों से बात करने से हमारा मन हल्का हो जाएगा, लोग हमारी सहायता कर देगा, लोगों की सहानुभूति होगी, जबकि होता है इसके बिल्कुल विपरीत है। लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, ऐसा लगेगा कि दुनिया में उस जैसा आपका कोई हितैषी नहीं है, जबकि आपके वहाँ से हटते ही आपके पीठ पीछे लोग आपकी आलोचना करता है, आपका मजाक उड़ाता है, आपका तिरस्कार करता है। और आप इस खुशफहमी में रहते हैं कि सो एंड सो हमारा बहुत बड़ा हितैषी है। आज से 700-800 साल पहले रहीमदास जी ने कहा था, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, रहीमन निज मन की था मन ही राखो गोय, सुन इठले हैं लोग सब बांट न लय हैं कोई। अपने मन की व्यथा को, दुख को अपने ही तक रखिए, लोगों तक घूम घूम करके मत बोलिए, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई आपका दुख नहीं बांटने वाला है। सैकड़ों साल पहले कही गई बात आज भी समीचीन है। दोस्तों, अपनी समस्याओं को, अपने दुख को, अपनी परेशानियों का सामना हमें खुद करना पड़ेगा। इसके लिए हमें समझदार बनना पड़ेगा, हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होना होगा, ईश्वर में और अपने आप पर भरोसा करना होगा, अपने आप को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। इसलिए देर किस बात की, चलिए अपनी समस्या के समाधान के लिए आप खुद तन मन धन से जुड़ जाइए, आगे बढ़िए और लोगों के सामने रोना बंद करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शुभमस्तु।